हम पुरानी अप्रोच के साथ नए नतीजे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना ही पुरानी सोच के साथ नए प्रयोग किए जा सकते हैं। गोगा दहेज फेरी सर्विस इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं जब मुख्यमंत्री बना और खोज खबर ली, इस पर चर्चा की, तो कई दशकों से हो गए रहे थे, लेकिन ये योजना पता नहीं किस कोने में पड़ी थी। और जब मैं इस पर जाने लगा, आगे बढ़ने लगा, मेरे आने के बाद मैं चाहता था तुरंत शुरू हो। आप हैरान हो जाएंगे, सरकार ने ऐसी स्ट्रक्चरल गलतियां की थी कि कभी रोरो फेरी सर्विस हो ही नहीं सकती है। पुराने जमाने में क्या काम किया था इन्होंने? समस्या ये थी कि जिसे फेरी चलानी थी उसी से आग्रह किया जाता था कि तुम भी टर्मिनल बनाओ। क्या मुझे बताइए, रोड के ऊपर कोई बस दौड़ाता है तो बस वाले को हम कहते हैं कि तुम रोड बनाओ? बस वाले को कहते हैं कि बस स्टेशन बनाओ? एयरपोर्ट पर विमान आता है कि हम विमान वाले को कहते हो कि तुम एयरपोर्ट बनाओ? एयरपोर्ट सरकार बनाती है, बस स्टेशन सरकार बनाती है, रोड सरकार बनाती है, उस पर दौड़ने के लिए प्राइवेट लोग व्यापार के लिए आते हैं। रोरो सर्विस में उन्होंने कह दिया है जेटी बनानी है, उसका पोर्ट बनाना है, आपको करना है तो करो, ये समंदर का किनारा है, ये पानी है, आगे बढ़ो, कौन बढ़ेगा भाई? आखिरकार हमने नीतियां बदली, पुरानी सरकारों के इस हस्तक्षेप को हमने बदल दिया। हमने तय किया कि फेरी सर्विस के लिए टर्मिनल बनाने का काम सरकार करेगी, टर्मिनल बन जाने के बाद उसका संचालन और फेरी चलाने का काम प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा। यहां के रफ समुद्र क्षेत्र में, तलहाटी में जमीन मिट्टी भी बड़ी समस्या होती है, इस वजह से फेरी को किनारे तक आने में दिक्कत होती है। बदली हुई रणनीति के तहत सरकार ने यह भी तय किया कि मिट्टी निकालने के लिए, पत्थर हटाने के लिए ड्रेजिंग का काम, उसका काम भी सरकार खर्चा उठाएगी। हमने ये भी व्यवस्था बनाई कि इस सर्विस के बाद प्राइवेट एजेंसी को जो लाभ होगा उसमें सरकार की भी भागीदारी होगी। ये नई रणनीति सफल रही और आज इसी का परिणाम है कि गोगा दहेज के बीच रोरो फेरी सर्विस प्रारंभ हो रही है।